आज हम बात करने वाले हैं प्योरली वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में, जिसमें एक अपडेट आया है अमेजोन की तरफ से और एक आ चुका है फ्लिपकार्ट की तरफ से। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई डाउट रह जाएगा एलिजिबिलिटी को लेकर या फिर एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है उसको लेकर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी है, अपनी क्वालिफिकेशन सिटी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, www.glory.com। तो चलिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट अपडेट की, जो कि अमेजोन की तरफ से आया है। दैन हम डिस्कस करेंगे फ्लिपकार्ट का जो अपडेट है उसके बारे में। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। बात करें हम फर्स्ट अपडेट की, जो कि अमेजोन की तरफ से आ चुका है। कोई फ़ी पे नहीं करनी है, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब आपकी प्योरली वर्क फ्रॉम होम होने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों ही। नेक्स्ट अगर बात करें जॉब टाइप की, तो आपकी ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। अमेजोन ने, आपको पता है, कोरोना पैंडमिक के बाद बहुत सारे कैंडिडेट को वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड की हुई है, तो इसमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है, अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। फ़ी कोई नहीं है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, अमेजोन कभी भी आपको नहीं बोलता आपको किसी जॉब के लिए कुछ भी पे करना है। तो अमेजोन के नाम पर अगर आपको कोई कॉल भी आती है, हम आपको जॉब दिलवा देंगे, आप पे कर दीजिए, आप कभी भी पे मत करना, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। कैसे वो भी आपको बताती हूँ। उसके बाद अगर बात करें एज लिमिट की, मिनिमम आपकी एज 18 आप अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम एज पर नॉर्म्स रहने वाली है। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं आप अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, इसमें आपकी इंटरव्यू होने वाली है, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की और वैकेंसीज की, इसमें दो टाइप की वैकेंसीज है। एक तो इसमें आउट हुई है कस्टमर सर्विसेज की है, जो कि वर्चुअल सपोर्ट की है, उसमें 12th पास एलिजिबल है, अप्लाई कर सकती हैं। और एक जो पोस्ट है वो सैलरी सपोर्ट एसोसिएट के लिए आउट की गई है, उसके लिए एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है वो आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू बताया जाएगा, ओवर द कॉल ही इसमें आपकी इंटरव्यू होने वाली है, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें सैलरी की, सैलरी की अगर बात करें वो पोस्ट वाइज वेरी करते हैं। वैसे मैं स्टार्टिंग की अगर आपको बताऊं, तो इसमें आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है 25,000 प्लस रहने वाली है, प्लस HRA जो भी अदर अलाउंस होता है वो आपको इसमें पे किया ही जाएगा। अब पहले हम बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का आपको मिल जाएगा, क्लिक करेंगे आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा। लास्ट में आपको मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक, पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अपनी सारी डिटेल्स फिल करके अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, अपना रिज्यूम अपलोड करना है एंड सबमिट कर देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, तब आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मस्ट होती है तो बिल्कुल फ्री में, लेकिन अगर आप रजिस्टर करेंगे तब आप लॉगिन करके अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। ये तो है फर्स्ट अपडेट। अब बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से आ चुका है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। फ़ी इसके लिए भी कोई नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में आप आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है, वर्क फ्रॉम होम भी है, अलग अलग इसमें वैकेंसीज आउट हुई है। सैलरी की बात करें स्टार्टिंग 18,000 है, मैक्सिमम आपकी 60,000 के अराउंड जाएगी, वो अलग अलग पोस्ट वाइज वेरी करता है। इसमें भी अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, एग्ज़ाम नहीं है, फ़ी कोई नहीं है, आपकी इसमें इंटरव्यू होने वाली है, उसी के बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। फ्लिपकार्ट आपको कभी भी पे करने के लिए नहीं बोलता किसी भी जॉब के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई करना रहता है। नेक्स्ट बात करिए वैकेंसीज कौन कौन सी आउट हुई हैं। सबसे फर्स्ट जो इसमें पोस्ट है डेटा इंजीनियर की है, उसके बाद सीनियर मैनेजर की है, कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट के लिए है, प्रोडक्ट मैनेजर के लिए है, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर की है, एसोसिएट के लिए है, एग्जीक्यूटिव की है, लीगल एग्जीक्यूटिव की है, सीनियर एसोसिएट की वैकेंसीज है, उसके बाद सिस्टम इंजीनियर की है, एडमिनिस्ट्रेटर की है, वेब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसीज आउट की गई हैं, असिस्टेंट मैनेजर की है, डेटा इंजीनियर की वैकेंसीज है, सीनियर मैनेजर की है, बैकएंड स्टाफ की वैकेंसीज हैं, एनालिस्ट की हैं,
उसके बाद टेस्ट इनोवेशन इंजीनियर लीड की वैकेंसीज आउट हुई हैं, सीनियर टेक्निकल प्रोडक्ट इंजीनियर की हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, QA इंजीनियर की हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है जो उसके लिए आउट की गई है, आप अपने अकॉर्डिंगली चेक जरूर करना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आते हैं कि हम अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे कंपनीज में ज्वाइन करें। तो आपकी जो फर्स्ट जॉब होती है वो डिफाइन और सेट करती है आपके करियर का टोन। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद आपकी फर्स्ट जॉब एक लॉन्च पैड की तरह काम करती है फ्यूचर करियर डिसीजंस लेने में। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जॉब और रोल रिक्रूटर्स डिफाइन करें, या फिर आप चाहते हैं कि इंडिया में बेस्ट कंपनीज में आप अपना करियर बनाएं, और आपके इंटरेस्ट और स्किल के बेसिस पर आप अपने करियर के मेकर्स बनना चाहते हैं, तो री लेवल के साथ जुड़िए। री लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अन अकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक टेस्ट होता है जिसमें कोई एज की क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं, किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। उसके बाद अलग अलग कंपनीज में इसमें आपको जॉब मिलती है, जिसमें अगर नॉन टेक्निकल जॉब की बात करें इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है 4 लाख पर एनम रहती है, और टेक्निकल के लिए 6 लाख पर एनम से 15 लाख पर एनम। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें कोई एज की लिमिट भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए आपको रजिस्टर करना होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद एक स्लॉट बुक करना है। स्लॉट बुक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंगली वहाँ डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सेम डे का प्रोसीजर रहता है, आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद स्कोर के बेसिस पर सामने से कंपनीज आपको खुद अप्रोच करती है, आपको कहीं पर खुद से जॉब फाइंड नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको जॉब दिलवाई जा रही है। तो जल्दी से लिंक पर क्लिक करके आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक आपको इसी रिक्रूटमेंट का मिलेगा, क्लिक करेंगे वो आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। लास्ट में आपको मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक, पहले लिंक पर आपको क्लिक करना है जो कि अप्लाई ऑनलाइन का। क्लिक करने के बाद सारी वैकेंसीज जितनी भी रिसेंटली फ्लिपकार्ट की आउट हुई है आप चेक कर सकते हैं। तो आप जिसके लिए एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोस्ट वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी है। मान लीजिए आप फर्स्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल है और इसके लिए आप अप्लाई करें, आप इस पर क्लिक करना, नया इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आप वहाँ पे मेंशन किया आपका क्या की रोल रहने वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। साथ में मेंशन है अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक करेंगे नया इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करके सारी डिटेल्स अपने फिल करनी है, या जो भी आपसे मांगी जा रही है, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन क्या है एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, और अपना रिज्यूम अपलोड करके सबमिट कर देना। उसके बाद इसके लिए भी आपको HR टीम कॉन्टैक्ट करेगी आपके प्रोफाइल को देखते हुए। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, वॉक इन होगी इसके लिए, या फिर आपकी ओवरव्यू कॉल होगी वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सारी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।